गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हमने किया था अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नंबर 7 और यूनिट 4 का टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमारा पास था कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है ना, उसके लिए हमने इक्वेशन यूज़ की थी आई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हमने देखा था अल्टरनेटिंग करंट हम किसको बोलते हैं, जो क्या करते हैं पीरियोडिकली अपने जो डायरेक्शंस हैं उसको वो क्या कर लेता है, चेंज कर देता है ना। द डायरेक्शन अल्टरनेट बिटवीन 50 and 60 टाइम पर सेकेंड डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। दिस वन इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द करंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली, और ये इसका क्या था, सिंबल था। तो दिस वन इज द इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। हेयर आई इज द करंट, आई नोट इज द पीक वैल्यू, पीक करंट। साइन ओमेगा टी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। हेयर एफ इज द फ्रिक्वेंसी, सो टी इज इक्वल टू 1πf। नेक्स्ट टॉपिक इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिफाइंड। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमारे पास क्या थे, देखो आई रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट अपॉन में रूट टू। सेम वोल्टेज के लिए वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नोट डिवाइड बाई में रूट टू। तो मीन और एवरेज करंट, द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ द करंट इन द हाफ साइकिल फ्लो ऑफ द करंट इन द सर्टन डायरेक्शन। आई इज इक्वल टू आई नोट पाई बाई टू, टू आई नोट इज अपॉन में पाई। सो दिस मीन वन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आई रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट अपॉन में रूट टू। देन हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, अब हमारे पास है व्हाट इज रेजिस्टेंस रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। सो यूज फेजर डायग्राम एंड साइनसॉइडल वेवफॉर्म टू शो द फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ प्योर रजिस्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर। हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, फेजर डायग्राम जिसको बोलते हैं, और साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर वोल्टेज और करंट का रिलेशन होगा। तो जो हम सर्किट बनाएंगे उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, एक बार रजिस्टर और फिर कैपेसिटर और उसके बाद इंडक्टर लगाएंगे। फिर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे आरएल का, यानी रजिस्टेंस और इंडक्टर, रजिस्टेंस और कैपेसिटर। देन हम क्या करेंगे, रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों का यूज़ करके क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे और फिर फेजर डायग्राम बनाएंगे। डिफाइन इसके बाद देखो, जो हमारे पास एक्स सी होगा इज इक्वल टू 2πfc। एफ हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्रिक्वेंसी। तो हम इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। देन एक्सएल को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू 2πfL। इम्पीडेंस को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी और उसका स्क्वेयर, और सभी का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। फेज एंगल टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस में एक्ससी अपॉन में आर। तो ये हमारे पास क्या थे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, फेज एंगल। हम क्या करेंगे, अब इसको वन बाय वन डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फेजर डायग्राम क्या होता है, देखो फेजर डायग्राम, ए डायग्राम कंटेनिंग फेजर इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। व्हाट इज फेजर, ए वेक्टर दैट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, एक ऐसा वेक्टर जो एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, रोटेट करेगा, अबाउट इट्स एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। जैसे यहाँ पे देखो, जीरो से स्टार्ट किया, 30 degree, 60 degree, 90 degree, देन 120, 150 एंड देन 360 degree। दिस वन इज़ अ फेजर डायग्राम, है ना। और अगर हम क्या करें, इसी का क्या करते हैं, देखो इस तरीके से साइन वेव बनाते हैं, क्लियर। तो यूज टू रिप्रेजेंट ए साइनोसॉइडल वेरिंग क्वांटिटी सच एज अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, आल्सो बीइंग यूज टू डिटरमाइन द फेज एंगल, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। व्हाट इज द फेज एंगल, द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो ए इज इक्वल टू ए नोट साइन ओमेगा टी, ए नोट हमारे पास क्या है, पीक वैल्यू। सो फेज डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस में ओमेगा टी प्लस में फाई बाय टू इज इक्वल टू पाई बाय टू। सो ए इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी
कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाय टू, ए ए नोट साइन ओमेगा टी, दिस वन इज द फेजर डायग्राम एंड दिस वन इज द साइनोसॉइडल डायग्राम. सो द प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन द वाई एक्सिस इज ऑन रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ए नोट इज द पीक वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, V is equal to I Z, here I Z, I current, Z is the resistance. So according to Ohm's law, V is equal to I R, V is equal to I X, X is here also resistance. So हम इसको क्या करेंगे, एक्स सी और एक्सएल की फॉर्म में लिखेंगे, V is equal to I X C and V is equal to I X L. एक्स सी और एक्सएल एक तरह से हमारे पास क्या है, ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेंगे. क्लियर, एक्स सी हमारे पास हो गया रिएक्टेंस, आई जेड हमारे पास हो गया इम्पीडेंस. सो इट इज़ डिफाइंड एज अ वी नोट अपॉन में रूट टू, जेड इज इक्वल टू वी रूट मीन स्केयर अपॉन में करंट रूट मीन स्केयर, और जेड इज इक्वल टू वी नोट अपॉन में आई नोट. तो हमारे पास जो इम्पीडेंस है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होगी. इम्पीडेंस को हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे. सिंपल हमारे पास इम्पीडेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में करंट, लेकिन कौन सा वोल्टेज, रूट मीन स्केयर वैल्यू, और करंट भी कौन सा, रूट मीन स्केयर वैल्यू वाली. ठीक है, तो इन द डीसी सर्किट इम्पीडेंस लाइक्स द रेजिस्टेंस. नेक्स्ट, एसी इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिक करंट विच मैग्नीट्यूड ए डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली, रूट मीन स्केयर वैल्यू, रूट मीन स्केयर वैल्यू डिफाइंड एज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए सी विच प्रोड्यूस द सेम पावर एज द स्टेडी डी सी करंट वैन द करंट पासिस थ्रू द सेम रजिस्टर. रूट मीन स्केयर वोल्टेज द वैल्यू ऑफ द स्टेडी डायरेक्ट वोल्टेज विच वैन अप्लाइड अक्रॉस ए रजिस्टर प्रोड्यूस द सेम पावर एज द मीन पावर प्रोड्यूस बाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द सेम रजिस्टर. फेजर डायग्राम, ए डायग्राम कंटेनिंग ए फेजर इस कॉल्ड फेजर डायग्राम. व्हाट इज फेजर, वेक्टर दैट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज अबाउट इट्स एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. नाउ व्हाट इज इम्पीडेंस, इम्पीडेंस रिप्रेजेंट बाय जेड एंड वी इज इक्वल टू आई जेड, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई एक्स, वी इज इक्वल टू एक्स सी, वी इज इक्वल टू आई एक्स एल. नाउ आर इज द रजिस्टर, एक्स इज रिएक्टेंस. Then reactance is the two type, capacitive reactance and inductive reactance. Capacitive reactance represented by XC, inductive reactance represented by XL. Capacitive reactance में क्या होगा, हम capacitor का use करेंगे. Capacitor क्या करती है, energy को store करती है, electrical energy को store करती है, और inductor क्या करता है, magnetic energy को अपने अंदर store करके रखती है. ठीक है, तो ये इसका क्या था, फेजर डायग्राम. बाकी का हम क्या करेंगे, कल करेंगे. थैंक यू.